वेलकम टू यम टेस्ट फैमिली। हमारी आज की रेसिपी है कीमा की बिरयानी। कीमा बनाने के लिए हमारा इंग्रेडिएंट्स है 500 ग्राम बोनलेस मटन, 500 ग्राम राइस, 2 ओनियन बड़े साइज की, 1 टोमेटो बड़ा साइज, 1/2 कप धनिया पत्ती, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 कप मटर, ये ऑप्शनल है, 1/2 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, इसमें से 1/2 हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 ग्रीन चिल्ली, 1 छोटी दालचीनी। चावल बनाने के लिए हमारा इंग्रेडिएंट्स है 1 ओनियन जिसे हम फ्राई कर लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च, 1 छोटी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग। सबसे पहले हम बोनलेस मटन को मिंस यानी कीमा कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल अच्छे से मिंस हो चुका है। अब हम अपना बिरयानी के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। अब ये हम इसमें से 1/2 ऑयल पैन में डालते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, प्याज फ्राई हो चुकी है, इसमें डालेंगे टमाटर। ये हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसकी रॉ स्मेल जाने तक हम इसे भून लेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट में ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालते हैं मिंस किया हुआ मटन। अब इसमें हम मिंस किए हुए मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम अपनी फ्लेम को लो रखेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसालों को। मसाला डालने के बाद अब हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल लेंगे। अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और साथ में डालेंगे मटर को, कोरिएंडर लीफ को और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये हमारा इसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। जब तक हमारा कीमा तैयार हो रहा है तब तक हम चावल को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, अब उसमें हम डालेंगे बचा हुआ ऑयल। प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम अलग से एक डिश में निकाल लेते हैं। सेम पैन में बचे हुए तेल में हम डालेंगे जीरा और हम अपनी फ्लेम को लो रखेंगे। इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, तेजपत्ता। अब 30 सेकेंड के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। क्योंकि चावल हमने 2 कप लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी डालते हुए हमेशा फ्लेम को हम लो रखेंगे और साथ में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें हम डालते हैं चावल। अब ये हमारा चावल पकना स्टार्ट हो गया है। जब इसमें हल्का हल्का पानी रहे तभी हम अपनी फ्लेम को लो, बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। कीमे का ये 5 मिनट हो चुका है। ये कीमा अपने ही पानी में 5 मिनट तक पक चुका है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए कीमे ने तेल छोड़ दिया है और ये हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है। ये 5 से 7 मिनट में मेरा चावल तैयार है।
अब हम चावल और कीमे की लेयर लगा लेते हैं। ये सबसे पहला लेयर हमारा चावल का है। अब हम इसमें एक लेयर कीमे की करेंगे। कीमा डालने के बाद थोड़ा सा फ्राइड ओनियन, धनिया की पत्ती और ये फूड कलर जिसे मैंने थोड़े से दूध में डाल के तैयार कर लिया है। अब ये दूसरी चावल की लेयर, ये दूसरी कीमे की लेयर, ये हम डालेंगे केवड़ा, ये ऑप्शनल है। ये हमारी सारी लेयर अब लग चुकी हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। अभी हमारा 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर दम पे रख देंगे। अभी हमारा 2 मिनट हो चुका है और बिरयानी बनके तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये लाजवाब कीमे की बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में।